शेयर करने वाली हूँ न्यू ईयर मेकअप लुक, जैसे कि आप देख सकते हैं। और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैंने थोड़ा पिंकी पिंकी मेकअप किया है, तो ये मेकअप लुक गर्ल्स को मोस्टली बहुत पसंद आने वाला है। अगर आप चाहें तो ये ब्लैक एंड पिंक का कॉम्बिनेशन करके मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। अगर आपको पसंद आता है तो ये वीडियो पूरे एंड तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं हूँ आराध्या और मैं वीडियोस बनाती हूँ रिलेटेड टू ब्यूटी, फैशन एंड DIYs। अगर आपको पसंद आती है तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने फेस को क्लियर करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ जॉनसन्स बेबी का ऑयल, और ये सबसे माइल्ड होता है इसलिए मैं इसे एज अ मेकअप रिमूवर यूज़ कर रही हूँ। और हमारा फर्स्ट स्टेप होता है मॉइस्चराइज करने के लिए, तो ये एक एज अ मॉइस्चराइज़र भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं अपने फेस को क्लीन करने के लिए मेकअप से पहले ये यूज़ कर रही हूँ। अब चलते हैं हमने कंसीलर की तरफ। तो मैं यहाँ पे ADS का कंसीलर ले रही हूँ, इसका मैंने स्टिक वाला पार्ट लिया है और स्टिक वाला पार्ट ही अच्छा है रादर देन लिक्विड कंसीलर। ये अच्छे से अप्लाई हो जाता है, अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और इसकी कंसिस्टेंसी भी काफ़ी अच्छी है एज अ कंसीलर। आप इसे एज अ आई बेस भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मैंने किया है। तो अब चलते हैं इसे ब्लेंड करने की तरफ। तो ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसे ब्लेंड करूँगी क्योंकि मेरी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है और एक्स्ट्रा ड्राई स्किन वालों को मोस्टली ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड करना इजी रहता है ताकि उनके कोई फेस पर हार्श लाइन्स ना आए। तो डैब डैब करते इसे ब्लेंड कर लूँगी और इसे सेट करूँगी मैं फिट मी की मेबलिन लूज पाउडर से, और इसमें मेरा शेड 15 लाइट है और इसे मैं अच्छे से सेट कर लूँगी। आप कुछ भी करें, मेकअप करें या उसे सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि विंटर्स में पैचेस बन जाते हैं और वो अच्छे नहीं लगते। अब ब्लैक आई पेंसिल ले रही हूँ, यह रिमेल की ब्लैक आई पेंसिल है और रफ सा ड्रॉ कर रही हूँ ब्लैक आई पेंसिल से, और ताकि मैं थोड़ा एक स्मोकी सा लुक क्रिएट करूं और इसे आउटर में वी बनाऊंगी। आप इसे एज एक ब्रश की मदद से इसे ब्लेंड करते जाएंगे। ब्लेंड करना आप कोई ज़रूरी नहीं बहुत अच्छे से ब्लेंड करना, आप इसे रफली ब्लेंड करिए ताकि एक स्मोकी लुक क्रिएट कर सके। और बाहर की तरफ मैंने एक वी शेप में बनाया है ताकि ये मेरे लुक को और ड्रामेटिक लुक दे सके। तो यही मैंने आज न्यू ईयर पर थोड़ा ब्लैक स्मोकी करने के लिए सोचा, तो इसलिए मैं ये कलर पिक कर रही हूँ। सेकंड मैं पिक कलर करूँगी डार्क पिंक कलर का, जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये हिलारी रोडा का पैलेट है और एक फ्लफी ब्रश की मदद से मैंने इसे अपनी क्रीज लाइन पर डिपोजिट किया है। तो इसे भी अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अगर अभी तो ये आपको ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन ये धीरे धीरे ब्लेंड होकर अच्छे से एक नया सा लुक क्रिएट करेगा। तो अच्छे से ब्लेंड करेंगे हम इसे। न्यू ईयर ईव के लिए मैंने आज इस बार पिंक कलर सोचा था, तो आई होप आपको ये लुक पसंद आएगा जब आप मेरा पूरा लुक देखेंगे। अब इसके बाद मैं एक फ्लैट शेडर ब्रश ले रही हूँ और उसे अपनी वाटर लाइन में डिपॉजिट कर रही हूँ ब्लैक को, ताकि मैं इसका ब्यूटीफुल सा लुक क्रिएट कर सकूं। आप देख सकते हैं इसे मैं थोड़ा बाहर की तरफ भी लगाऊंगी ताकि मैं साइड एज ड्रॉ कर सकूं अपनी। और इसके बाद हम चलेंगे अपनी आईब्रो फिल करने के लिए। तो इसमें नाइका की ब्रोच का आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ। पहले इसमें दो साइड हैं, एक तो स्पूली है और एक से फिलिंग वाला साइड है। तो पहले मैं स्पूली की मदद से उसे अच्छे से अपने स्पार्स एरिया को क्लीन कर लूँगी, उसके बाद मैं पेंसिल से यूज़ करके उसे ड्रॉ करूँगी। ये बहुत ही अच्छी आईब्रो पेंसिल है,
इस आईब्रो पेंसिल में दो शेड आते हैं, एक तो ब्लैक आता है और एक ब्राउन, जो कि मैंने लिया है। आप चाहें तो आपकी अगर आईब्रोज ब्लैक हों तो आप वो कलर पिक करिए जो आपको सही लगे, लेकिन मोस्टली जो बिगनर्स हैं मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि वो ब्राउन कलर लें, क्योंकि ब्राउन कलर को ब्लेंड करना ईजी होता है, तो इसलिए मैंने ये भी यहाँ पर ब्राउन कलर लिया है। अब इसे मैं सेट कर लूँगी स्पूली की मदद से ही अगेन, और अगर आपने मेरा वीडियो ये वाला पूरा देखना हो तो मैं लिंक आई बटन पर दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपनी प्राइमर की तरफ। तो लैक में एब्सोल्यूट का प्राइमर ले रही हूँ, ये पोर फिलिंग प्राइमर है, HD प्राइमर है, साथ में इसमें थोड़ा सा वाइट कंसिस्टेंसी में है तो ये थोड़ा सा ग्लो भी लाता है हमारे फेस पर। और प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी है गाइज, क्योंकि प्राइमर के बिना एक तो हमारा बेस जो होता है वो ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है, अगर हम प्राइमर लगाएंगे तो हमारा बेस ज़्यादा देर तक टिकेगा भी, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा मेकअप और हमारा जो बेस है वो ज़्यादा स्मूथ होगा, उसमें पैचेस नहीं आएंगे जो मोस्टली हमारे विंटर सीजन में आ जाते हैं, तो इसलिए प्राइमर का यूज़ ज़रूर करें। फाउंडेशन में मैं ले रही हूँ मेबिन की सुपर स्टे 24 आवर प्रोटेक्शन फाउंडेशन, ये बिल्कुल HD फाउंडेशन है, फुल कवरेज फाउंडेशन है, इसके थोड़े पम्प्स में ही आपका बहुत ज़्यादा फाउंडेशन ब्लेंड हो गई, अच्छे से ब्लेंडेबल है, अच्छे से सेट हो जाती है, और अगर आपको इससे अगर लूज पाउडर नहीं भी लगाना हो तब भी ये अच्छे से सेट हो जाएगी, अगर आप इसके बिना कंसीलर भी नहीं लगाते हो तब भी ये अच्छे से, आपको अलग से कंसीलर की अच्छी फाउंडेशन है। और न्यू ईयर के लिए मैंने इसीलिए इस फाउंडेशन को सिलेक्ट किया है ताकि ये लॉन्ग लास्ट है, अच्छे से ब्लेंड हो जाए, और ब्लेंडिंग इज़ द की ऑफ मेकअप, जितना ब्लेंड करेंगे उतना ही अच्छा आपका मेकअप रहेगा, तो अच्छे से ब्लेंड करें। एक्स्ट्रा ड्राई स्किन वालों को ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड करना चाहिए, ना कि ब्रश से, क्योंकि उसमें हार्श लाइंस दिखाई देती हैं ये, और ब्यूटी ब्लेंडर से एक तो HD फिनिश आता है। कंसील करूँगी LA गर्ल प्रो कंसीलर से और अपने डार्क एरियाज़ को कंसील करूँगी, जैसे कि अंडर आई एरिया, अपने नोज़ को जहाँ मैंने हाईलाइट करना है वहाँ पर, और अपने क्यूपिड बो पर, अपने फोरहेड पर, यहाँ पर मैं मेनली चाहती थी, और छोटा एक ब्लेंडिंग ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी जिससे मैं ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। ब्यूटी ब्लेंडर से इजी होता है क्योंकि ये छोटा ब्यूटी ब्लेंडर है और इजी टू यूज़ है, तो इसलिए मैंने ये यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैं नोज़ कंटोर करूँगी, और नोज़ कंटोर करने के लिए मैंने सेम सिवाना का पैलेट लिया है, मैंने यहाँ पर शो नहीं किया लेकिन मैंने यहाँ पर सिवाना का पैलेट ही यूज़ किया है, और अच्छे से छोटे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी, ये मेरे नोज़ को एक शार्प और एजी लुक देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा नोज़ अब ज़्यादा शार्प लग रहा है और ये ईजी टू ब्लेंडेबल भी है। तो अब मैं अपने फेस को कंटोर करूँगी, ऐसा इल्यूजन देता है कंटोरिंग कि हमारा फेस बहुत स्लिम है, लेकिन जिसका फेस ज़्यादा ही स्लिम हो उनको कंटोरिंग की नीड नहीं पड़ती। तो यहाँ पर मैं कंटोरिंग कर रही हूँ अपनी जॉ लाइन को और अपने चीक्स बोन को अच्छे से, ताकि एक शार्प एज लुक दे सकूँ, और ब्यूटी ब्लेंडर से इसे मैं ब्लेंड करूँगी, पहले मैंने ब्रश से लगाया फिर इसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं लगाती हूँ ब्लश, और ब्लश में मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ब्लश, और इसे मैं ब्रश से डिपॉजिट कर रही हूँ। ध्यान में रखें आप हमेशा स्माइलिंग फेस में ही ब्लश लगाएं, वो ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड होता है और ज़्यादा अच्छे से दिखाई देता है। तो अब मैं यहाँ चलती हूँ हाइलाइटर की तरफ, तो यहाँ मैं ले रही हूँ मिस रोज़ का हाइलाइटर, और ये बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है, और मैं एक फ्लफी ब्रश से हाइलाइटिंग कर रही हूँ। मैं भी यहाँ पर ना दिख रहा हूँ लेकिन आप नोज़ पे देख सकते हैं अच्छे से दिख रहा है, मे बी आई डोंट नो वाई कैमरा ने रिकॉर्ड नहीं किया, इतने अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। तो हाइलाइटिंग के लिए मैंने मिस रोज़ का लिया है, और जैसे कि हमने अपने फेस को हाईलाइट किया अपनी आइज़ को भी हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, तो इनर कॉर्नर हाईलाइट करूँगी मैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं ग्लिटर का मैंने यूज़ किया है और ये पैलेट ADS का है, और अपने ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर रही हूँ। इसके बाद चलते हैं फेक लैशेज़ की तरफ, तो आई लैशेज़ में मैंने हुडा ब्यूटी की ये आई लैशेज़ ली हैं, और ये मैंने आई लैशेज़ लगा ली थी। इसके बाद चलते हैं अपने आईलाइनर की तरफ, आईलैशेस लगाने के बाद मैंने आईलाइनर लगाया है क्योंकि मैं आईलैशेस फेक आईलैशेस पर वो दिखाना नहीं चाहती थी, तो इसलिए। तो इसके बाद हम यहाँ पर मैंने थोड़ा विंग आईलाइनर ड्रॉ किया है, थोड़ा ड्रामेटिक लगता है और प्यारा भी लगता है आजकल, तो इसलिए मैंने यहाँ पर विंग आईलाइनर ड्रॉ किया है। तो अपने लुक को फिनिश करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर लिपस्टिक, और लिपस्टिक में मैं यूज़ कर रही हूँ ओरिफ्लेम की द वन लिपस्टिक, और ये थोड़ा मैट में नहीं है, थोड़ा शाइनी में लिपस्टिक है, और ये ग्लॉस लिपस्टिक है आप देख सकते हैं, और इसमें थोड़ा शाइनी भी है, अगर आप मैट में जाना चाहते तो मेबलिन की भी सुपर स्टे आप ले सकते हैं।
हाँ यही था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आए मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें एंड शेयर जरूर करेगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप कोई रिक्वेस्टेड वीडियो चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, मैं जिसका मैं लिंक यहाँ पर दे दूंगी, आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पर रोज़ नए नए अपडेट डालती रहती हूँ, डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो या थैंक यू, बाय बाय, स्टे।